नमस्कार दोस्तों, जैसा कि कई बार आपको ये वाला एरर आता होगा योनो ऐप में, जब भी आप मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, ये एरर जब आता है, मान के चलिए आपने कोई बेनिफिशियरी आज ऐड किया और तो उसकी कह रहे थे आपने 10 लाख की तो लिमिट सेट कर दी, लेकिन होता क्या है, बैंक रिस्ट्रिक्ट करता है कि शुरू के 4 दिन आप कुछ लिमिट के से ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो आपको ये एरर आता है। और ये एरर एग्जैक्टली क्यों आता है इसके लिए मैं अब आपको बताता हूँ। होता क्या है कि शुरू के 4 दिन बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद आपकी लिमिट रहती है, पर डे 1 लाख रहती है, यानी कि 1 दिन में आप उस बेनिफिशियरी को 1 लाख रुपए से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और शुरू के 5 दिन आप यानी कि उसको 5 लाख से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मैं अब आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ कि आखिर ऐसा कैसे होता है। मान के चलिए एक एग्जाम्पल लीजिए कि मंडे के दिन आपने बेनिफिशियरी ऐड किया और उसको अप्रूव कर दिया। अब आप मंडे से लेके फ्राइडे तक टोटल 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हो उस बेनिफिशियरी को, पर डे 1 लाख रुपए, और सैटरडे को उसकी लिमिट पूरी चालू हो जाएगी, मतलब सैटरडे के दिन आप उसको 10 लाख रुपए भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। और टोटल जो इंटरनेट बैंकिंग में जो मैक्सिमम रिटेल बैंकिंग में जो ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक दिन में, वो 10 लाख रुपए कर सकते हो आप। सारे बेनिफिशरीज को मिलाकर आप 10 लाख रुपए एक दिन के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हो इंटरनेट बैंकिंग में। इससे ज़्यादा आपको अगले दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कूलिंग पीरियड का वाला जो एरर है ये क्यों आता है और ये किस तरीके से रेक्टिफाई होगा। तो प्लीज़ मेरा वीडियो आप सोशल मीडिया पर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें। धन्यवाद फ्रेंड्स।